खाएगा नहीं खाएगा, जो चल रहा है चलने दो। ठीक है, क्या लगाया मुँह पे? खा बेटा छोले कुलचे खा रहे, ज्यादा नहीं खाएंगे, देखो एक एक खाएंगे। बाल है ना प्रॉपर नीचे से दिखे। भूल गई आज क्या था, आज कौन सा दिन है? तो इतना पाल कितना गुस्सा होके गया चीकू। और इसके शायद दो पैक लगेंगे। जो लाइट है ना, ये लाइट बहुत अच्छी। बाय, मैं सो जाऊंगी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग जो है कुछ इस प्रकार है कि सुबह के बज चुके हैं 11:05 हो रखे हैं। चीकू को सुबह स्कूल भेजा था हमने रेडी करके, उसका कुर्ते पजामे में इतनी दिक्कत हुई ना, मतलब उसको जो पहले पहनाया था उसको इतना टाइट था, फिर उसका दूसरा हमने बेड खोल के दूसरा निकाला, फिर जाके कहीं उसको रेडी किया। अब मुझे अभी टेंशन ये है कि मैंने उसको ना ब्रेड टोस्ट दिए हैं, आलू डाल के जो बनाते हैं वो दिए हैं, वो खाएगा नहीं खाएगा वो समझ में नहीं आ रहा है। उसको पैक करके तो दिया है मैंने। तो जब से हमने सोचा है ना हम शिफ्ट करेंगे तब से ना हमने कोई भी सामान मतलब अच्छे से सेट नहीं कर रखा, जो जहाँ रखा है रखे रहने दो। तो अब यही सोचा है कि जब तक शिफ्ट नहीं करेंगे, जो चल रहा है चलने दो, शिफ्ट करते ही पूरा अच्छे से घर सेट करेंगे। तो मेरा शावर हो चुका है, अब मैं जा रही हूँ पूजा करने गोलू भैया नीचे। मम्मी का जो दिवाली वाला सामान है वो लेने गई है, तो मैं फटाक से पूजा कर देती हूँ, नहा धो के नहा चुकी हूँ मैं, फिर बाद में रेडी हो जाऊंगी। चीकू के पापा भी आने वाले हैं, उनकी मील भी ऑर्डर कर चुके हैं हम लोग। तो यहाँ पर ना पायल नहा चुकी है, शावर ले चुकी है, शावर लेने के बाद पायल पूजा कर रही है, क्योंकि अभी तक मैंने शावर नहीं लिया है। तो मैंने पायल को बोला था पायल तू कर दे पूजा। और साथ ही साथ ना कल हम सोच रहे हैं कि मंदिर की पायल साफ सफाई कर देंगे, ठीक है? तो होगी, मतलब वैसे तो होगी बट हम कल कर देंगे ताकि ये सारी चीजें सूख जाए टाइम से ना, हार कपड़ा सबको सूख जाए। बेटा जी मैं क्या चाहिए बेटे की, क्या लगाया मुँह पे? इधर आ, देखियो हमारे वांग इसका क्या लगाया हुआ इसने। तो मेरी पूजा भी हो चुकी है, बस अभी तुलसी जी को पानी चढ़ाना है। तुलसी जी को पानी चढ़ा देती हूँ पहले जाके। तुलसी जी को भी हमने पानी चढ़ा दिया है, बाकी पौधों में भी पानी डाल देती हूँ। वैसे अभी थोड़े नम है, सिर्फ टमाटर में जाएगा पानी। जी माँ क्या खाएगी बेटी, कहाँ खाएगी? पराठे पे नजर है तो गोलू यहाँ पे ना अपना पराठा लेके आई है बटर के साथ, और जिम में ना इसकी तरफ मुंह ताड़ के देख रहा है। ये लो लो खा लो। इधर आओ, मम्मा नहीं आ सकती खुद से, खाओ। इधर आओ बेटा। तो गाइज मैं भी हो गई हूँ रेडी ऑफिस के लिए, और ना मेरी कल डॉक्टर से बात हुई थी। डॉक्टर ने कहा था कि ना आप अपनी आयरन की जो दवाई है ना बंद कर दो, तो आज मैंने कमेंट भी पढ़े। तो अब मैं अपनी आयरन और कैल्शियम की दवाई 2 दिन के लिए बंद कर रही हूँ, और मेरी तबीयत ना ठीक लग रही है क्योंकि मैंने दवाई नहीं खाई है। तो अब जाऊंगी 2 दिन बाद और डॉक्टर को बोलूंगी आयरन कैल्शियम की दवाई दो बट सॉल्ट चेंज कर दो। तो यहाँ पे ना पायल भी रेडी हो रही है, पायल मेकअप नहीं करी थी बट मैंने बोला कि पायल तूने ना लाइट पिंक कलर के कपड़े पहने हैं, थोड़ा बहुत मेकअप कर ले वीडियो बना लेंगे। तो पायल मेरे कहने पे मेकअप कर रही है। यार गोलू, हाँ हमारे इतने सारे बैग्स हैं और हम लेते एक ही है, एक ही आज नीचे से बैग भी चेंज। पर मेरी ड्रेस पे तो मैच कर रहे हैं ब्राउन। नहीं ये ड्रेस चेंज करते हैं आज, ठीक है? तो ये ना मुझसे पूछते हमेशा कि इस बैग में क्या है, इस बैग में क्या है, तो मैं दिखा देती हूँ उनको। देखो इस बैग में सिर्फ और सिर्फ दवाइयां हैं, ठीक है? तो गाइज हम लोग निकल चुके हैं सलोन के लिए, और अभी बच चुके हैं 1। चीकू भी आने वाला, नितिन भी गए हैं चीकू को लेने, और मैंने थोड़ा सा मेकअप कर लिया है क्योंकि गोलू ने मुझे बोला मेकअप कर ले, तो थोड़ा सा मेकअप कर लिया है और इयररिंग्स भी पहने आज मैंने, काफी दिन से कान खाली थे मेरे। न्यू ड्रेस कैसी लग रही है कमेंट में बताना। तो बोलते बोलते भी कि पर्स चेंज करना है, यही वाला पर्स ले आई हूँ मैं दोबारा, क्योंकि हम नीचे गए नहीं, क्योंकि नीचे सारे पर्स हमने डब्बे में पैक करके रखे हुए हैं। तो अब देखते हैं कल करेंगे चेंज। तो गाइस आज शुक्र है ट्रैफिक नहीं है, बिल्कुल अब स्मूथ जा रहे हैं, अभी एक बार भी ट्रैफिक नहीं मिला और ना ही मिले, बस सैलून आने वाला है हमारा। तो गाइस ऑफिस आ गए, और पायल मैंने बहुत ही अच्छा करा कि आज परांठा खाकर आई हूँ, दिल कर रहा था खाने का और बिल्कुल भी तबीयत ऐसी नहीं लग रही। मैं तो छोले भटूरे मंगवा रही हूँ अपने लिए। पायल यार मैं भी खाऊंगी थोड़े से। नहीं तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। एक बाइट तो ले लें दे पक्का, ज्यादा नहीं खाऊंगी एक बाइट। ऐसे भी टीचर ऐसा लग रहा है यार आजकल। तू छोले भटूरे मत खा बेटा, छोले कुलचे खा ले। नहीं नहीं कुलचा नहीं खाना, मन मर गया यहाँ के कुलचे खा। दिल्ली जाएंगे पता नहीं कब जाएंगे कब खाएंगे वहाँ के। तो ऑफिस आने का जो रूटीन है ना वो ये है, आते ही अपनी मेडिसिन खाओ, तो बस मेडिसिन निकालूंगी खाऊंगी। पायल अभी वाले व्लॉग में कमेंट आया है पल्लवी फालके जी का, जो कि है पायल मैम गोलू मैम प्रेगनेंसी में ज्यादा हेयर वॉश नहीं करना चाहिए, डायरेक्ट यूट्रस पे हार्म होता है, मुझे मेरे डॉक्टर ने कहा था वंस इन अ वीक आप हेयर वॉश कीजिए, लव यू बोथ। हम तो इतना ही करते हैं। फ्राइडे हो गया था, आज फिर आज फ्राइडे है। तो गाइज आज सुबह मैंने जब पूजा करी ना, तो मैंने जो गणपति जो मम्मी लेके आई थी वो मंदिर से हटा दिए, बिकॉज ऑफ आप में से किसी का कमेंट आया था परसों कि एक मंदिर में इतनी सारी गणेश जी की मूर्ति नहीं होती है, तो मैंने उस वजह से वो हटा दिया है। पायल मेरी वजह से तुझे एक फायदा हो गया ना।
क्या? देखो अब जैसे मेरे को आयरन और एक कैल्शियम की दवाई सूट नहीं करी तो मैं तुझे नहीं खाने दूंगी। अब मेरे अल्ट्रासाउंड में टाइम लगा था तो तेरे अल्ट्रासाउंड में हम अपॉइंटमेंट ले लेंगे, है ना। तो तू मेरे से कितनी कुछ सीख रही है ना। मैं सीख रही हूँ। हाँ, जब बेबी होगा ना तो कैसे उसको नहलाते हैं, मालिश करते हैं, सब सीख ली हूँ। ठीक है, मैं सिखा दूंगी। ठीक है। तो गाइस मैं मजाक कर रही हूँ, जब बेबी हो जाएगा ना मैं उसकी मालिश और उसको नहीं नहलाऊंगी एक दो दिन। तो मेरे को बहुत 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 डर लगता है कि बच्चा फिसल ना जाए मेरे हाथ से, क्योंकि इतना सा होता है, तो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लूंगी। तो मालिश का काम और नहलाने का काम होगा पायल का। ओके, थैंक यू जी, आपने सौभाग्य दिया मुझे। आप तो हो ना बड़ी मम्मा, तो आप ही नहलाओगे। तो गाइज आज हमारे पास बहुत ही क्यूट सब्सक्राइबर आए हैं ऑस्ट्रेलिया से हेयर एक्सटेंशन करवाने के लिए, तो स्पेशली हम उनको अटेंड कर रहे हैं। और ये ऑस्ट्रेलिया से आए हैं, अब ये वापस सब चले जाएंगे, अभी अपनी फैमिली से मिलने आए हैं यहाँ पर। और प्लस इन्होंने सोचा फैमिली से मिल लूंगी, प्लस यहाँ पे हेयर गार्डन भी आ जाऊंगी, एक्सटेंशन भी हो जाएंगे। तो गाइज हेयर जो यूज कर रहे हैं हम, हेयर ऑरिजिनल्स के यूज कर रहे हैं, अभी ये हो रहे हैं प्रेसिंग। और ये बिल्कुल ह्यूमन हेयर है जो हमारे बालों में लगे हुए हैं, ये है नैनो वाले जो इनको लगने वाले हैं अभी। तो हम लोगों से बहुत दूर से मिलने आए हैं काजल और आशु जी, आए हैं सोनीपत से, जो मेरे घर भी, हमारे घर भी आए थे, सबने ब्लॉग में देखा हो जी, मम्मा के घर भी आए थे। वो पायल के लिए स्पेशली एक चीज लेकर आए, तो पायल को लगा था कि वो लेकर आए लड्डू मोती चूर के, बट ये वाले लड्डू लेके आए। और ये वाले जो लड्डू है ना, ये पायल को भी बहुत पसंद है और मुझे भी बहुत पसंद है। ये मोती बूंदी वाले हैं, छोटी बूंदी वाले, डिफरेंस कुछ नहीं है, होते दोनों लड्डू ही है। हाँ, ये जोधपुरी जोधपुरी, हाँ जोधपुरी लड्डू। तो थैंक यू सो मच, वेलकम। तो यहाँ पर ना हमारे छोले भटूरे आ गए और मुझे बहुत मन कर रहा था छोले भटूरे खाने का। चलो कोई बात नहीं, खा लेती हूँ, पायल इतना फोर्स कर रही है मुझे। ठीक है, खा लूंगी मैं इसके बाद। हम एसिडिटी, हम दोनों इतने चटोरे है ना, इतने चटोरे है ना, मतलब तबियत खराब है, बट छोले भटूरे नहीं छोड़ रहे, ज्यादा नहीं खाएंगे, देखो एक एक खाएंगे। तो गाइस छोले भटूरे तो हो गए खत्म, अब बचा है लंच। लंच को देखते हैं, अगर पेट में जगह हुई तो खा लेंगे, वरना तो स्टाफ को दे देंगे। तो गाइस लंच हो गया डन एकदम, और मम्मी गई है हेड वॉश करवाने के लिए, और पायल गई है थोड़ी देर के लिए सोने के लिए। मैं इधर बैठी हूँ, बैठ के ब्लॉग के कमेंट रीड कर रही हूँ। कमेंट ना बहुत सारे यही आए हैं कि मैम आपने आयरन की जो टैबलेट है उसकी वजह से वॉमिट आई है, क्योंकि ऐसा हो चुका है आप लोगों के साथ भी। एक कमेंट आया था मुझे, मैं नाम भूल गई, तो उन्होंने यही लिखा था। तो बस अभी दो दिन बाद डॉक्टर के पास जाती हूँ, जाकर अपनी टैबलेट्स चेंज करवाती हूँ। आयरन और कैल्शियम लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बट कोई बात नहीं, दो दिन नहीं लूंगी, बिकॉज कल मेरी इतनी ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी ना कि मैं कुछ खा नहीं पा रही थी। तो गाइस रात को मेरी इतनी ज्यादा तबीयत खराब हो रही थी ना, बट मैंने कोई भी मेडिसिन बिना डॉक्टर के कंसल्ट करे नहीं खाई, कोई भी नहीं खाई, क्योंकि देखो हमें पता नहीं होता इस टाइम पे कौन सी मेडिसिन प्रेगनेंसी में सूट करती है बॉडी को, कौन सी मेडिसिन हार्म करती है हमारे बेबी को। तो बस मैंने डॉक्टर से अपनी गायनी को सिर्फ कॉल कर लिया था, पायल ने कॉल किया था, और मैंने इनो पी थी। इनो पीने के बाद मुझे बहुत आराम मिला, और अभी मैंने आराम से खाना खाया है, और बस अब खाना खाने के बाद थोड़ी देर में चाय पीऊंगी। तो यहाँ पे आशु भैया चीकू के लिए भी गिफ्ट लेकर आए हैं, चीकू को जो पटाखे बहुत ज्यादा पसंद है वो पटाखे लेके आए हैं, और एक और गिफ्ट है तो कह रहे हैं वो स्लाइम लेकर आए हैं, क्योंकि हाँ जी लेजर लाइट और स्लाइम। अच्छा, क्योंकि सबको पता है चीकू को लेजर लाइट और स्लाइम बहुत पसंद है। तो कल ना इतने शौक से मैंने ऑरेंज मंगवाया था, और ये ऑरेंज बिल्कुल भी सही नहीं निकला, पायल ने खोल कर देखा और बताया कि अच्छा नहीं है, तो राहुल को बोलूंगी इसे चेंज करवा देगा। और इधर ना रीत का गिफ्ट आ गया दिवाली का, रीत का वेट कर रही हूँ, रीत गई है दिवाली गिफ्ट लेने के लिए, तो रीत आती है तो उसे भी दिवाली देनी है। तो गाइस यहाँ पे ना हमारे हेयर एक्सटेंशन हो गए हैं डन, और बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, इनके बालों में बहुत ही अच्छी वॉल्यूम आ गई है और एकदम नेचुरल लग रहे हैं, बहुत अच्छा मर्ज हुआ है। और ये छोटे से बाल बस ट्रिम करे, ताकि ये जो बाल है ना प्रॉपर नीचे से दिखे, ट्रिमिंग तो देखो थोड़ी बहुत होती है। तो गाइस मैंने ना ये ड्रेस पहनी, और सच में मुझे ना बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, मुझे लगा था सुबह मुझे उस टाइम पे ना ठंड लग रही थी, पर अभी को ना इतनी गर्मी लग रही है ना, अब मैं एसी में जाके बैठ रही हूँ। तो अभी मैंने पायल से पूछा चाय पिएगी, तो पायल ने बोला गोलू नहीं मैं चाय नहीं पीऊंगी, तो अभी चार बज रहे हैं, तो 4:30 बजे उसे उठाऊंगी, तब वो भी चाय पी लेगी और मैं भी पी लूंगी। तो यहाँ पर ना मेरा शैम्पू कंडीशनर आ गया, मैं करवाने जा रही हूँ हेड वॉश, क्योंकि आज है, क्या है आज, भूल गई आज क्या था, आज कौन सा दिन है, आज फ्राइडे। ठीक है, आज है फ्राइडे, कल तक थर्सडे करवा नहीं पाई तो आज करवा रही। तो गाइस दिन पूरी हो गई है, 1.5 घंटा सो के आई हूँ मैं, और मुझे बहुत अच्छा लगा, और मुझे पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा, खाना खाते ही मुझे बहुत नींद आती है। जैसे मैंने खाना खाया, और खाने में भी खाया इतना हैवी छोला भटूरा, खा के मुझे नींद आई और बहुत अच्छी नींद आई, अब उठ चुकी हूँ मैं। मैं भी अपना हेयर वॉश करा लेती हूँ, फिर हमें निकलना है आज, धनतेरस की शॉपिंग करनी है और गिफ्ट्स भी लेने हैं। तो गाइस मेरा वॉश हो गया एकदम डन, और ना मेरे को उस टाइम पे ठंड नहीं लग रही थी, पर अब धीरे धीरे ठंड लग रही है, क्योंकि एसी चला ली है और वॉश भी हो गया ना, बंद कर दो अभी ऐसे। हाँ अब मैं सोच रही बंद कर दूँ। तो गाइस अभी चीकू ने इतना परेशान करा ना, मैंने कल चीकू के बाल कटवा दिए थे यहाँ से, ठीक है, और इसके पापा ने बोला कि ऐसा वाला जो कट है ना, पायल ने आज से सदियों
पहले कराया था और इस कट को बोलते हैं साधना कट, और चीकू को किसी ने आज बोल दिया कि बंदर लग रहा है, तो इतना पाल कितना गुस्सा होके गया चीकू, बहुत गुस्सा हो, कह रहा मम्मी मेरे बाल क्यों कटवाए, अपने बाल क्यों कटवाए। मैंने कहा बेटा बाल आंखों पे आते हैं, अभी भी देखो चीकू यहाँ ही होगा आसपास, चला गया क्या, चला गया नितिन खींच के ले गया। तो गाइस हम लोग निकल गए ऑफिस से, और इतना ज्यादा ट्रैफिक हो रहा है ना, इतना ज्यादा ट्रैफिक हो रहा है, मतलब कि ना हमें जाना है वीआईपी मार्केट, समझ नहीं आ रहा। तो इन्होंने ना एक ऑमलेट बचा दिया, तो ये ऑमलेट मैं निपटा रही हूँ। पाल चीकू सो गया है 5 मिनट में, तो मैं और गोलू अभी निकल रहे हैं मार्केट के लिए, क्योंकि कल धनतेरस है, तो बर्तन भी लेके आना है और घर का जो है पूजा का सामान भी लेके आना है, और मैम के लिए गिफ्ट रह गया था वो भी लेके आना है। फटाफट से जाते हैं, इस टाइम पे जो है भीड़ हमें शायद कम मिले, निकलते हैं। तो गाइज आज ना यहाँ पे ये जो पार्किंग है ना फुल पैक्ड है, अदरवाइज ना ये खाली रहती है बिल्कुल, क्योंकि दिवाली की वजह से ना पूरी मार्केट भरी हुई है, और हम सही टाइम पे आए हैं, अभी ट्रैफिक हमें कम मिला है। अभी जो टाइम हो रहा होगा लगभग 9:30 बजे के करीब, इतना ही हो रहा होगा। हाँ इतना ही हो रहा है, टाइम देख लूँ क्या, देख ले। सही तूने फोन ये बैग ऐसे लटकाया, ऐसा होता है, पूरे 8 बज गए हैं। सही तूने बैग ऐसे लटकाया, क्योंकि ऐसी मार्केट में ना चीजें चोरी हो जाती हैं। तो गाइज हम ना ये वाली लाइट ले रहे हैं घर के लिए, एक बार जला के आपको दिखाती हूँ, ये बिजी बहुत है यार आज। तो ये वाली जो लाइट है ना हम ये ले रहे हैं, और इसके शायद 2 पैक लगेंगे, क्योंकि दोनों तीनों बालकनी में लगानी है ना, तो 2-3 पैक लगेंगे। और भी कुछ देख रहे हैं, बहुत कुछ है यहाँ पे, देख रहे हैं जो लाइट है ना, ये लाइट बहुत अच्छी। तो ये वाले दिए लिए हैं हमने धनतेरस के लिए, और ये वाले लिए हैं दिवाली के लिए, बड़ी दिवाली के लिए, और छोटे दिए भी लेने पड़ेंगे गोलू। हाँ हाँ हाँ, ये 24 ले लेती हूँ, है ना, ठीक है, सारी जगह बालकनी में लगा देंगे सारी, ठीक है। तो गाइस मैंने ये वाले जो तोरण है ना ये लिए 211 के लिए, जहाँ बच्चे रहते हैं, और ऐसा ये भी लिया है मैंने साथ में ना, इसके बहुत सुंदर लगेगा। तो लास्ट टाइम ना क्या हुआ था दिवाली पे, हम लोगों ने ऐसे वाले कलर्स लिए थे, तो इस कलर के साथ ना क्या होता है, थोड़ा सा आप बनाते हो ना रंगोली तो फैल जाते हैं, तो इस बार मेरी नजर पड़ गई बॉटल वाले कलर पे, तो ये इजीली बन जाएगी ना, पर ये लेंगे ठीक है। तो इस बार ना हमने थोड़ा बड़ा वाला कार्डबोर्ड वाला लिया, पिछली बार पेपर वाला लिया था ना, तो उससे थोड़ा फैल जाता है, और साथ साथ शुभ दीपावली भी ली है। और खुले से अच्छा ना मुझे डब्बा अच्छा लग रहा है, डब्बा बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे मिल गया हमें, 200 रूपए का, सही है ना, 12 है ना, हाँ नहीं 12 नहीं है, कितने है, 10। तो गाइस अभी ना पाल ये वाला जो सामान है ना सारा रख रही है, हम लोगों ने ये शॉपिंग कर ली है, क्या क्या करी है आप लोगों को पता ही है, और भैया के पास जगह नहीं थी, तो अब हम सोच रहे हैं दोबारा जाएं और सामान लेकर आए, ठीक है। पायल क्या क्या रह गया, अभी बहुत सारा सामान रह गया, लिस्ट बाद में बताऊंगी, चल ठीक है, चलो पायल ने बोला चलो तो चलो। तो मैंने धनतेरस की पूजा के लिए ली है ये वाली मसालादानी, क्योंकि वो मसालादानी ना बहुत खराब सी लगती है, इसका चम्मच, तो ये इसके अंदर चम्मच भी है, चम्मच हमें फ्री मिला है इसके साथ गाइस। तो हमारे मंदिर में ना चीकू ने आज खुद से डेकोरेशन की है, यहाँ पे स्वास्तिक लगाया है यहाँ पे भी, और घर के बाहर भी, और हम लोग ना मैम के लिए गिफ्ट ले आए हैं, हमारी यहाँ पे नमकदानी भी हो गई है, और इधर हम मैक्सी लेकर आए। मैक्सी क्यों लेकर आए पाल बताएगी? मैक्सी इसलिए लेके आए कि 25 तारीख को ग्रहण है, और ग्रहण में कहते हैं खुला खुला बिल्कुल फ्री होके बैठना चाहिए, इसलिए हम 2 मैक्सी लेके आए हैं। मैं दिखाती हूँ, तो कॉटन की मैक्सी लेके आए हैं मैं और गोलू एक एक, ताकि क्योंकि बिल्कुल फ्री होके बैठना होता है ना, उसमें किसी भी टाइप का कोई कसाव नहीं होना चाहिए बॉडी में, तो ये लेके आए हम। पायल गेरू रह गया, मम्मी ने कहा था गेरू मंगवा लेना, उससे पहले गेरू का लिप लगाना है, बोला है ना पंसारी को, वैसे भाभी को बोला हुआ है, मैं फिर भी भाभी को एक बार फिर रिमाइंड करा देती हूँ। तो घर आते सबसे पहले मैंने चेंज कर लिया, और आते अपना खाना डाल लिया है, तो बस खाना खाऊंगी, खाना खा के सो जाऊंगी। आप जा रहे हो मूवी देखने, मैं तो सो जाऊंगी, बाय, मैं सो जाऊंगी, नहीं सोऊंगी तेरे लिए। तो गोलू ने खाना खा लिया था, तो गोलू ने दोनों के लिए दूध बना दिया है, मेरा भी दूध आ गया है, पर मेरा पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा है, भूख है पेट में पर कुछ खाने का मन नहीं कर रहा। दूध तो पी लो कम से कम, दूध तो मैं पी लूंगी। तो गाइस पायल मूवी देखने नहीं गई, उसकी वजह सर में दर्द, और मैं इसलिए नहीं गई क्योंकि मैं मॉर्निंग से 7:30 से उठी हूँ, नहीं तो मोस्टली ना चीकू के बाद ना हम लोग सो जाते हैं, बट आज हम सो ही नहीं थे और नींद बिल्कुल पूरी नहीं हुई, तो मैंने सोचा जाऊंगी बहुत लेट हो जाएगा, इससे अच्छा थोड़ी आंखों को रेस्ट देती हूँ, बहुत जरूरी है रेस्ट देना। तो दूध पीने के बाद मैं तो जा रही हूँ सोने, मैं भी सोने जा रही हूँ। चलो चीकू का अच्छा हुआ, चीकू ने अपने 4-5 घंटे की नींद पूरी करी और निकल लिया बेटा। और चीकू की एक और चीज अच्छी है, अगर स्कूल नहीं है तो टेंशन फ्री है कि हमें सुबह उठना है, हम आराम से उठेंगे है। तो गाइस इधर मैंने सब्जी भी निकाल दी है, दाल भी और चावल भी निकाल दिया, दूध भी फ्रिज में रख रही हूँ क्योंकि हम लोगों ने पी लिया है, और आज देखो इतनी सारी दाल बची है, किसी ने कुछ नहीं खाया ना, चीकू के पापा ने खाया, अभी चीकू ने भी नहीं खाया, नितिन भैया ने भी नहीं खाया, सिर्फ मैंने डिनर करा है। तो गाइस अभी अरमान जी चीकू और नितिन भैया नहीं आए हैं, पर मैं जा रही हूँ सोने, तो ये वाला ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।